नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बैंगन की उन्नत खेती कैसे करें, उसकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उसके कैसे पैदावार ली जाए और कैसे पैदावार बढ़ाई जाए, कौन कौन सी बीमारियां इसमें लगती हैं, उनका कैसे निदान किया जाए, इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मित्रों आप जानते हो, बैंगन का वानस्पतिक नाम सोलेना मेलनजेना सोलानेसी कुल का पौधा है। इसके गुणसूत्र 24 होते हैं और इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है। बैंगन मुख्य रूप से सोलानेसी कुल का एक दिवस उदासीन शाकीय पौधा है। भारतवर्ष में इसकी खेती आदिकाल से की जाती रही है। इसका उद्गम स्थान भारतवर्ष है। इसके पूर्वज जंगली रूप में बहुतायत हमारे यहाँ पाए जाते हैं और ये हमारे यहाँ की एक प्रमुख फसल है। बैंगन की खेती लंबे परिसर वाली जलवायु में सफलतापूर्वक की जा सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों में इसकी खेती फलत लंबे समय तक की जाती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसकी फलत के लिए कम समय मिलता है। मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन तीन इसकी ऋतुओं में फसलें ली जाती हैं। पहाड़ों पर इसकी खेती मुख्य रूप से ग्रीष्म फसल के रूप में ली जाती है और बैंगन वर्ष भर उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है। भारतवर्ष में इसकी तीन मुख्य फसलें ली जाती हैं, पहली वर्षाकालीन फसल, दूसरी ग्रीष्मकालीन और तीसरी शरदकालीन। बैंगन उगाने वाले देशों में भारत, जापान, इंडोनेशिया, चीन, बुल्गारिया, इटली, फ्रांस, अमेरिका, अफ्रीका ये कुछ प्रमुख देश हैं। और जहाँ तक इसके उत्पादन का सवाल है, वर्ष 2012-13 में बैंगन का क्षेत्रफल 722,000 हेक्टेयर था, जो 2016-17 में घटकर 664,000 हेक्टेयर रह गया है। परंतु इसकी उत्पादकता जो 2012-13 में थी 18.6 थी, जो 2016-17 में बढ़ के 18.9 हो गई है। बैंगन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। 2500 ग्राम खाने योग्य भाग में इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशा, खनिज, विटामिन, पोटेशियम, तांबा, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें 24 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। औषधीय गुणों में ये बहुत ही लाभदायक सब्जी है। मधुमेह के रोगियों के लिए सफ़ेद बैंगन मुख्य रूप से लाभदायक होता है। पेट के रोगों में सफ़ेद बैंगन काफ़ी फायदा करता है। कब्ज को दूर करता है, पेट दर्द को दूर करता है, दांत दर्द में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसको दूर करता है। यकृत रोगों में लाभकारी है, इसका भी रोग नाशक है। और भूख, जिसको भूख नहीं लगती उसको बैंगन की सब्जी 2-3 दिन खिलाया जाए तो उसकी भूख खुल जाती है और यह मंदाग्नि में लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। बैंगन मुख्य रूप से गर्म जलवायु का पौधा है। पौधों की वृद्धि और फल पकने के लिए लंबे समय और गर्म दिनों की आवश्यकता होती है। पौधों और फलों की वृद्धि और विकास के लिए 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 19 से नीचे इसका बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तो बीजों के अंकुरण के लिए 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसकी खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु मटियार दोमट और दोमट भूमि इसकी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। वर्षाकालीन खेती बलुई दोमट भूमि में अच्छी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय तक पानी नहीं रुक पाता। ग्रीष्मकालीन फसल में मटियार दोमट भूमि में या दोमट भूमि में अच्छी होती है। सबसे उत्तम भूमि दोमट होती है, जिसका जल निकास अच्छा हो और पीएच मान 5.5 से लेकर 6.8 हो। इसकी एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हर से करें और 2-3 बार हैरो पाटा चलाकर खेत को मिट्टी को भुरभुरा कर लें और उसके बाद उसमें बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। जहाँ तक खाद और उर्वरक का प्रश्न है, सबसे अच्छा होगा कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें और उसके अनुसार पोषक तत्व लें। यदि ऐसी सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप 200 से 250 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद पौधरोपण के 30-35 दिन पहले खड़ी खेत में डाल करके उसकी जुताई कर लें और उसके बाद 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, जिसमें से आप आधी नाइट्रोजन, संपूर्ण फास्फोरस, पोटाश खेत की अंतिम जुताई के समय डाल सकते हैं। और कुछ सूक्ष्म तत्व जिसमें जिंक और बोरॉन की कमी पाई जाती है ऐसी मृदा में, तो 10 से 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 से 10 किलोग्राम बोरेक्स या बोरिक अम्ल अंतिम जुताई के समय खेत में डाल सकते हैं।
अब बची हुई नाइट्रोजन है उसको दो भागों में बांट करके एक चौथाई भाग आप 30-35 दिन की अवस्था पर और एक चौथाई भाग 60 से 65 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। यदि फिर भी आपकी फसल कमजोर हो तो उसमें 0.5 से 1.0 या 1.5% तक यूरिया का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। जहाँ तक पौध डालने के लिए सवाल है, 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है और बीज बोने से पूर्व कवकनाशी दवा थायराम कैप्टान से इसको उपचार कर सकते हैं। यदि ये दवा आपको उपलब्ध नहीं होती है तो आप बायो एजेंट ट्राइकोडर्मा प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 8 से 10 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है और बीज को इससे उपचार करने के पहले हल्का सा भिगो लें और भिगोने के बाद फिर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें उसके बाद फिर कवकनाशी दवा का प्रयोग आपको न पौधशाला में करना है और न बीज उपचार में करना है। प्रजातियों का जहाँ तक सवाल है, इसमें कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक तो लंबे प्रजाति लंबे फल जिसके होते हैं और बैंगनी रंग के होते हैं, दूसरा लंबे फल होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं, तीसरा गोल बैंगन होते हैं और बैंगनी होते हैं, चौथा गोल बैंगन होते हैं और हरे बैंगन होते हैं, और पांचवा सफ़ेद रंग के बैंगन पाए जाते हैं जो कि लंबे होते हैं। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार की प्रजातियाँ इसमें पाई जाती हैं। तो पहले मैं आपको लंबे बैंगन वाली प्रजातियों में, इसमें मुख्य रूप से पंत सम्राट, पंत शंकर 1, पंत बैंगन 4, PB67, HP4 इत्यादि बहुत सी प्रजातियाँ हैं, NDV28-2, काशी तरु, काशी प्रकाश, काशी कोमल, BB26, BB15, आज़ाद क्रांति, KS331, ARU1, ARU2C, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग पुरानी प्रजाति है, पूसा अनुपम, पंजाब बरसाती, पंजाब सदाबहार, पंजाब नीलम, इस प्रकार बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। जूनागढ़ लंबा, ये अर्का केशव, अर्का शीतल, अर्का निधि, अर्का आनंद, ये बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिनके फल लंबे और बैंगनी रंग के होते हैं। दूसरा है लंबे फल वाली और हरे फल वाली प्रजातियाँ, इसमें अर्का कुसुमाकर, अर्का शिशिर, कृष्णानगर लॉन्ग ग्रीन, राजेंद्र बैंगन, जामनगर जाइंट ग्रीन लॉन्ग। अब आती हैं संकर प्रजातियाँ, जिसमें अर्का नवनीत, पूसा शंकर 6, DBHL 20, PBHL 52, KT4, ARBH 201, ARBH 541, ARBH 786, PBH 6, HABH 3, NDBH 6, इस प्रकार बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनके फल बैंगनी और गोल होते हैं। अब दूसरी जो बैंगनी फल वाले लेकिन फल गोल हैं, इसमें पंत ऋतुराज, आज़ाद टाइप 3, हिसार श्यामल, P8, S16, H8, Selection 1, मंजरी गोटा, सुरती गोटा, विजय शंकर, आजा शंकर, KS224, काशी संदेश, पूसा शंकर 6, अरुण, APAU, श्यामला, भयंक जामुनी गोला, KS224, AB1, DBR5, पंजाब बहार नीलम, CHBR1, D288-6, पूसा शंकर 6, इत्यादि बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिनमें से कोई भी प्रजाति आप अपने क्षेत्र के अनुसार से सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा गोल और हरे फल वाली प्रजाति है, इसमें बनारस जाइंट, गोल धारी वाली बैंगन बैंगनी सफ़ेद, मंजरी मंजरी गोटा, पंत बैंगन 5, अंडाकार बैंगनी, इसमें पूसा क्रांति, NDV25, H4, पूसा अनमोल और जूनागढ़ अंडाकार। उसके बाद छोटे गोल बैंगनी फल वाली प्रजातियों में ABH1, ABH2, MHB10, MHB39, फुले शंकर 2, BNR81, BNR51C, इस प्रकार से बहुत सारी प्रजातियां हैं। अब है बीज बोने का समय और पौधरोपण की इस तालिका में दिखाया गया है। इसमें वर्षाकालीन फसल के लिए आपको मार्च अप्रैल में बीज की बुआई करते हैं मैदानी क्षेत्रों में और इसकी पौधों की रुपाई 30-35 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं, तो अप्रैल मई में आप इसकी पौधों की रुपाई कर सकते हैं। शरदकालीन फसल के लिए मैदानी क्षेत्रों में जून जुलाई में बीज की बुआई करते हैं और जुलाई अगस्त में रुपाई करते हैं। बसंतकालीन
यह ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नवंबर के महीने में इसकी बुवाई की जाती है बीज की, और फरवरी मार्च में इसकी पौधों की रुपाई की जाती है। ये हुआ मैदानी क्षेत्र का। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जो निचले पहाड़ी क्षेत्र या घाटी हैं, वहाँ पर बीज की बुवाई सितंबर से अक्टूबर तक की जाती है और अक्टूबर नवंबर में पौधों की रुपाई की जाती है। उसके बाद 100 मीटर से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई तक बीज की बुवाई फरवरी मार्च में की जाती है और पौधों की रुपाई मार्च अप्रैल में की जाती है। मध्यम ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र, इसमें मई जून में बीज की बुवाई की जाती है और जून जुलाई में पौधों की रुपाई की जाती है। और 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक वाले क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल और अप्रैल मई में, और इससे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं तो उनके बीज की बुवाई अप्रैल मई में करते हैं और पौधों की रुपाई मई जून में की जाती है। अब पौध की रुपाई की दूरी कितनी होनी चाहिए? सामान्य प्रजातियों में 60 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें बनाएं और कतारों में 60 सेंटीमीटर दूरी पर ही पौधों की रुपाई करें। उसके बाद आती है संकर प्रजातियाँ, थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हैं इसलिए उनकी रुपाई 75 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें बनाएं और 75 सेंटीमीटर दूरी पर पौधों की रुपाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि बीज आपने बोया पौधशाला में, जिस तरह से टमाटर, गोभी और शिमला मिर्च के लिए पौध तैयार की गई थी, उसी तरह से आप बैंगन की भी पौध तैयार करके बीज की बुआई करें और वहाँ पौध तैयार हो जाती है 30-35 दिन की अवस्था में। जब पौधों में 4-5 पत्तियाँ आ जाती हैं तो उसके बाद उनकी पौधों की रोपाई आप कर सकते हैं। पौधशाला से जब पौध उखाड़ते हैं तो उखाड़ने के बाद जड़ों को धोइए, और जड़ों को धोने के बाद फिर कवकनाशी दवा, कैप्टन, थायराम, ब्लाइटॉक्स 50, कोई भी दवा आपको मिल जाए, 0.25% का घोल बना करके उसमें 10-15 मिनट के लिए जड़ों को भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद फिर उसको पौधों को छायादार मौसम में या शाम के समय पर पौधों की रोपाई करें, और रोपाई के बाद एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। बैंगन की पौध फसल के लिए 18 1/2 इंच पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रथम सिंचाई पौधरोपण के तुरंत बाद की जाती है और शेष सिंचाइयाँ मौसम के अनुसार, यदि वर्षाकालीन मौसम है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि पानी निकालने की आवश्यकता होती है, जल निकास न करें। और शीतकालीन फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल से और ग्रीष्मकाल में 7 से 8 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहें। जहाँ तक बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो यदि बैंगन की फसल में कोई भी आप निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो 20 से 80% तक की हानि हो जाती है, इसलिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। या तो आप मैनुअली कर सकते हैं, हैंड हो के द्वारा या फावड़े के द्वारा, कुदाल के द्वारा गुड़ाई करके खरपतवारों कर लिए, या आपके पास यदि मजदूरों की कमी है तो आप जो है रसायन हर्बिसाइड इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लासो एलाक्लोर के नाम से दवा बाजार में मिलती है। इसके 5 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके और उसको पौध रोपाई से पहले छिड़काव करें ज़मीन पर, और उसके बाद फिर उसमें पौधों की रोपाई कर दें। रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई कर दें और फिर 20-25 दिन तक आपको किसी भी प्रकार की निराई गुड़ाई नहीं करनी है। 30-35 दिन की अवस्था पर जब घास उगने लगती है तो आप एक हल्की निराई गुड़ाई करके अपनी फसल को खरपतवारों से बचा सकते हैं। अब बात आती है वृद्धि नियामकों की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? मिर्च की तरह से इसमें भी 4 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल और सीधा शॉर्ट स्टाइल। तो इसमें जो लॉन्ग स्टाइल वाले हैं उसमें परागण क्रिया हवा और कीड़ों के द्वारा होती है, और जो मध्यम लॉन्ग स्टाइल वाले होते हैं उनमें स्वयं परागण होता है, लेकिन जो सीधा शॉर्ट या छोटे शॉर्ट स्टाइल वाले होते हैं उनके अधिकतर परागण क्रिया संभव नहीं हो पाती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है पौधे में। तो यदि आप बाहर से इसमें ऑक्सीजन की ग्रोथ रेगुलेटर के माध्यम से दे देते हैं तो उनके सभी जो फल में आने वाले फूल हैं उनमें फल बन जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों से पता लगा है कि यदि बीजों को IAA के 10 ppm घोल अथवा 2,4-D के 2 ppm घोल का छिड़काव भी कर सकें, फूल आने से जब कलिका निकलती है उस समय एक छिड़काव कर दें और 20 दिन के बाद दूसरा छिड़काव कर दें तो फलत अच्छी होती है, या बीज को 2 ppm 2,4-D के घोल में 24 घंटे तक भिगो के रखें, उसके बाद उसकी बुआई करते हैं तो बीज का अंकुरण अच्छा होता है और फलत भी अच्छी होती है। अब बात आती है 2,4-D 2 ppm का घोल बना करके, 2 ppm का मतलब 2 mg घोल बना करके उसके में
पौधों को पुष्पन के समय पर एक छिड़काव करें और एक छिड़काव बीजने की बात करते हैं तो उसमें लगभग सभी फूलों में फल बनता है और फूल झड़ते नहीं हैं। इसके अलावा ऑर्थोक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक है, इसकी 4 PPM की मात्रा घोल बना करके और इसका 20 PPM का घोल बनाइए और घोल का 2 बार इसका छिड़काव जैसे फूल आने की अवस्था पर, और दूसरा जो है फूल आने के जो कलिका आ जाती है उसके पहले छिड़काव के 20 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करते हैं। और यदि 240 के 20 PPM का घोल छिड़काव करेंगे तो पुष्पन के समय कर देते हैं तो उसमें बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। बेंजाइल एडेनिन 30 PPM का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो पुष्पन के समय करने से पैदावार में वृद्धि पाई गई है। इसी प्रकार से नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 140 से 160 PPM का घोल बनाकर पुष्पन के समय पर 2 बार छिड़काव कर देते हैं और पहला छिड़काव पुष्पकल का आने पर और दूसरा छिड़काव उसके 20 दिन बाद करने से हैं तो फलों की वृद्धि अच्छी पाई जाती है और उसमें फलों की संख्या प्रति पौधा बढ़ जाती है और उनका भार भी बढ़ जाता है, फलों का आकार बढ़ जाता है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं। इसमें कुतरा कीट, तना और फल विदक कीट, एपिलेग्ना बीटिल, माहू, सफ़ेद मक्खी, रेड माइट, तेला, बहुत सारे कीट लगते हैं। इन सबका निदान में पहले भी जो फसलें आपको दे चुका हूँ मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं तना और फल विदक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तना और फल विदक कीट ये जो हमारी वर्षाकालीन फसल होती है इसमें बहुत अधिक लगता है और इसमें तने में जब पौधे में फूल आने की अवस्था होती है उससे पहले ही तने में छेद करके उसको कीड़ा ख़राब कर देता है। तो इसके लिए यदि आपकी फसल थोड़े क्षेत्र में लगी है तो आप उसको ब्लेड या चाकू की मदद से उसमें जहाँ पर छेद हो रहा है उसके नीचे 1 इंच नीचे से काट दीजिए तो उसमें नए कल्ले आ जाते हैं और उससे फसल को आप बचा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इंडोसल्फान या एमिडा क्लोरपीड 0.1% का घोल बना करके छिड़काव कर दीजिए तो इससे बचाव हो जाता है। फल भेदक कीट पर जब फल में कीड़ा लग जाता है तब लोग छिड़काव करते हैं, ऐसा करने से ये कंट्रोल नहीं होता है। फल भेदक के लिए आवश्यक है कि जब फूल आने की अवस्था हो उस समय एक छिड़काव करें और फूल जब खिलने लगे तो उसके पहले एक छिड़काव कर दीजिए। इसमें एमिडा क्लोरपीड, मेलाथियान या सेविन दवा 0.2% का घोल बना करके यदि आप छिड़काव करेंगे 7 से 8 दिन के अंदर पर तो इससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। प्रमुख रोगों में आद्र विगलन, ये बीज का उपचार इसका आप करेंगे तो पौधशाला में लगने वाली बीमारी है, इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। फॉर्मोप्सिस ब्लाइट, इसमें देखा होगा आपने कि फल जो है नीचे का वाला हिस्सा उसमें सड़ने लगता है और ये फंगस की वजह से होता है। इसके लिए आप कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी हैं जिसमें फ्लोरिडा मार्केट है, पूसा भैरव है, या बीज को गर्म पानी से उपचार करें। 55 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करें और उसमें बीज को पोटली बांध के डाल दें 15-20 मिनट के बाद। उसके बाद बीज को छाया में सुखाएं और फिर कवकनाशी दवा से उपचार करके उसको बुआई करेंगे तो ये फॉर्मोप्सिस ब्लाइट नहीं लगेगी। इसी तरह से मिलानी या उकता रोग लगता है, ये फ्यूजरियम के द्वारा लगता है, कवक है। इससे लंबा फसल चक्र पाइए, खेत में अधिक नमी माने रहने दीजिए और मैनको जीव नामक दवा 0.25% का घोल बना करके इसका छिड़काव करते रहेंगे 7-8 दिन के अंदर से तो इसको बचा जा सकता है। यह ब्लाइटॉक्स या कापर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से दवा आती है बाज़ार में, इसकी 0.25% का घोल बना करके 10 दिन के अंतराल से छिड़काव करते रहेंगे तो इस रोग से बचा सकता है। वैसे मिलानी 3 प्रकार की होती है, एक मिलानी पानी भरने की वजह से होती है, दूसरी मिलानी फ्यूजरियम की वजह से होती है और तीसरी मिलानी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो जो बैक्टीरिया की वजह से होती है उसके लिए बीज का उपचार या हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें और नर्सरी में ब्लाइटॉक्स कापर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% घोल बना करके उसके साथ में 6 PPM इसे लेके 20 PPM टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा मिला करके इसका छिड़काव या डेंसिंग कर देते हैं तो इससे रोग से बचा सकते हैं। अब आती है स्क्लेरोटिनिया मिलानी, इसकी वजह से भी पौधों में काफ़ी आती है। पूसा पर्पल लॉन्ग जो वैरायटी थी ये बहुत ही ससेप्टिबल थी और इसमें छोटे उर्द के दाने जैसे छोटे छोटे एस्कस बन जाते हैं और उसके बाद ये जो फ्लोएम वाला भाग होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसकी वजह से फसल नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए प्रतिरोधी फसलें पंच सम्राट में ये नहीं लगता है, आप पंच सम्राट प्रजाति को उगाइए
और ब्लाइटॉक्स दवा का छिड़काव करिए और लंबा फसल चक्र अपनाइए। और जिस खेत में पहले आपने बैंगन लगाया हो उसमें बैंगन की खेती दोबारा ना करें, बीच में धान की फसल एक ले लें, तो इस तरह से आप इस रोग से बचा सकते हैं। जीवाणु मिलाने के लिए मैंने आपको बताया कि प्रतिरोधी फसल पूसा पर क्लस्टर अन्नामाली उगा सकते हैं, या गर्म पानी से 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म करके और उसमें बीज को डुबो कर रखें 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद बीज को बोएं तो इससे बचा जा सकता है। मोजेक ये विषाणु रोग है, इससे बचने के लिए आप मेटासिस्टक रोगर या एमिडा क्लोरपिड 0.1% का घोल बना करके 10 से 12 दिन के अंतराल से छिड़काव करते हैं और साथ में कापर ऑक्सीक्लोराइड दवा मिला लेते हैं तो इससे आप इसको बचा सकते हैं। लिटिल लीफ ये एक माइकोप्लाज्मा होता है, छोटा जीव है, इसकी वजह से लगता है और इससे बचाने के लिए आप रोगर या मेटासिस्टक दवा का प्रयोग करें। लंबा फसल चक्र पाएँ, खेत में अधिक नमी होने दें और रेजिस्टेंट पाएगी। लिटिल लीफ पूसा पर राउंड जो प्रजाति थी उसमें बहुत अधिक लगता था, लेकिन जो पंत ऋतुराज किस्म है इसमें नहीं लगता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। निमेटोड से बचने के लिए आप निमियोन लकड़ी का बुराला उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने फसल को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। कुछ प्रयोगों में यह भी पाया गया है कि पलवार यदि खेत में आप पौधे लगाने के बाद यह 15-20 दिन की हो जाती है, टॉप ड्रेसिंग डाल देते हैं, तो उसमें आप काली पॉलीथीन या गन्ने की सूखी पत्ती या धान का पुआल हो सकता है या कांस 1 से 1.5 इंच 2 इंच मोटा डाल देते हैं पलवार के रूप में, तो इससे कई फायदे होते हैं। एक तो ये नमी को संचित रखता है, खरपतवारों को नहीं घुलने देता और मृदा में पानी को संचित रखता है और तापमान को बनाए रखता है। तो जो आपकी जाड़े वाली फसल होती है उसमें इसका प्रयोग काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि भूमि के तापमान को बनाए रखता है, तो इससे फलों को बढ़त में भी फायदा होता है, इससे फल अच्छी होती है। काली पॉलिथीन का प्रयोग भी बैंगन की फसल में काफ़ी लाभदायक पाया गया है। और धान की भूसी जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है उसमें धान की भूसी का प्रयोग करते हैं तो उससे काफ़ी फायदा होता है। अब जहाँ तक पैदावार के सवाल है कि आपके मैनेजमेंट, आपने कौन सी प्रजाति लगा रखी है खेत में, आपने किसी सामान्यतः औसतन जो ओपी वैरायटी है उनके 350 से 400 कुंतल फलों की पैदावार आप ले सकते हैं। संकर प्रजातियों में 500 से 550 कुंतल की पैदावार, ये औसत पैदावार है, इससे भी अधिक पैदावार आप ले सकते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। ये कुछ प्रजातियों के फोटोग्राफ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये काशी संदेश है, IIVR वाराणसी से निकाली गई है और गोल फल होते हैं बैंगनी रंग के और काफ़ी अच्छी फल देने वाली फसल है। ये पंच सम्राट पंतनगर से निकाली गई है, इसके फल लंबे होते हैं, स्क्रूटनी एबिलिटी के लिए रेजिस्टेंट है और उसकी पैदावार 300 से 350 कुंटल तक पाई गई है। ये पंच सम्राट का फसल लगी हुई है खेत में, ये बीज वाला खेत है। ये पंत ऋतुराज है, इसकी फसल गोल फल होते हैं बैंगनी रंग के और इसके 250 से 300 कुंटल की पैदावार इसकी मिलती है और काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। ये ब्लैक गोल के नाम से पता है, काफ़ी फेमस है और इसको बहुत लोग लगाते हैं। ये पंत ऋतुराज का पॉली हाउस में फसल लगाई गई है उसके बीज के लिए, तो उसका फोटोग्राफ है। ये गोल हरे फल की प्रजाति है, बनारस जाइंट उसके फल हैं। ये सफ़ेद बैंगन है, ये हरा बैंगन पंत बैंगन 67 उसके फल हैं। देखने में छोटी लौकी जैसे लगते हैं लेकिन ये बैंगन के फल हैं, हरे रंग के होते हैं। ये एक धारीदार वैरायटी है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में से लोग बहुत उगाते हैं। फल के ऊपर धारियां पाई जाती हैं। बैंगन के साथ आप जो है प्याज मिक्स क्रॉप के रूप में लगा सकते हैं और इसके अलावा दूसरी फसल लहसुन मूली आदि फसलें भी इसके साथ में उगा सकते हैं। ये काशी प्रकाश बनारस से निकाली हुई प्रजाति है, इसके फल लंबे होते हैं और 300 से 350 कुंटल की पैदावार देती है। ये पंतनगर से पंत बैंगन 6 पंत बैंगन 7 इसके फलों के आप देख रहे हैं कितनी फल है, इसकी 400 से 500 कुंटल की पैदावार मिलती है। ये कुछ बैंगन की और प्रजातियां हैं, इसमें पंत बैंगन 4 पंत सम्राट पंत ऋतुराज पंत शंकर बैंगन 6 जिसकी 500 से 650 कुंटल तक पैदावार है। ये काशी कोमल काशी तरु
ये दोनों प्रजातियाँ बनारस से निकाली गई हैं, लंबे फल वाली हैं और ये अच्छी पैदावार देने वाली प्रजातियाँ हैं। ये काशी कोमल का फल है। आशा है आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।